चले थे, 11th क्लास को कंटिन्यू किए थे विश्व इतिहास के कुछ विषय, और आपको हमने बताया था कि 11th में पूरे वर्ल्ड जो है एंशियंट से ही चलना है, और उसी के बारे में हम लोग का लेसन चल रहा था। पहला नंबर, पहला लेसन का हमारा नाम क्या था? प्रारंभिक समाज। इसी में हम लोग देखे थे 6 लाख ईस्वी पूर्व से लेके 1 ईस्वी तक। पहला नंबर आपने देखा कि सबसे पहले कहां पे मानव उदय हुआ? अफ्रीका महादेश में। हर महादेश वाइज हम लोग अलग अलग स्टेप इसका सुने थे। इसी लेसन को आज चलना है, लेखन कला और शहरी जीवन। आज पूरे कंप्लीट हो जाएगा तब 3 महाद्वीप में फैला साम्राज्य या यावर साम्राज्य बढ़ते चला जाएगा। तो आज लगभग लगभग ई कंप्लीट हो जाएगा। अभी स्थिति क्या है, किताब खरीद भी लोग, लेकिन जब तक लेसन पढ़ा नहीं देंगे तब तक अपने से नहीं पढ़ सकते। उसमें 4 लाइन से पचमा होते होते नींद आने लगे। कारण है कि इसमें एंशियंट जो है टफ सेक्शन, कभी आपने पहले से नहीं पढ़ा है, कभी नहीं सुना है, इसीलिए भारी। लेकिन एक बार पढ़ लेने के बाद हम लोग को फिर काफी आसान लगने लगेगा। तो हम लोग इसमें शुरुआत करेंगे, ध्यान दीजिए, जहां से मेन फेज है उससे हम लोग शुरू करें, लेखन कला और शहरी जीवन। इसी में हम लोग आज क्लास को शुरू कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले आपको हमने बताया था कि विश्व में, वर्ल्ड में सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत कहां से हुआ। तो हमने कहा, देखो, मानव की शुरुआत अफ्रीका में, लेकिन विश्व में यहां पे शहरी जीवन शब्द लिखा हुआ है। क्या अफ्रीका में लोग शहरी जीवन जीना शुरू किए? नहीं, वो ग्रामीण पशुपालन उसी समाज से ही रह। शहरी जीवन की सबसे पहली शुरुआत मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया से पहले न कहीं कोई शहरी जीवन है, न मेसोपोटामिया से पहले कहीं लेखन कला है, उसके पहले लिखना कहीं नहीं सीखे। सबसे पहले लेखन कला भी पूछेगा तो यही हो जाए। यानी आपसे पूछा जाएगा कि बताओ विश्व का सबसे पहला शहरी जीवन किसको मानोगे? मेसोपोटामिया। हमने आपको बताया था मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। मेसोपोटामिया 2 शब्द से बना है, एक मेसो और एक पोटामिया या पोटामस। मेसो का अर्थ होता है बीच में, और पोटामस का अर्थ होता है नदी, नदियों के बीच का स्थान, ये मेसोपोटामिया। इंपॉर्टेंट बात हमने समझाया था कि केवल मेसोपोटामिया बोलने से कभी इस फेर में नहीं रहना या हम केवल मेसोपोटामिया को एक जगह, जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता बोला तो क्या केवल हड़प्पा है कि उसके साथ और भी लोथल, मोहनजोदड़ो, चारहोदड़ो, बहुत सारे। यहां भी मेसोपोटामिया सभ्यता में कई शहर, और हम लोग को सभी शहर के बारे में जानना है। तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या हो गया? नदियों के बीच का स्थान। इन नदी कौन है? 2 नदी है, एक का नाम है टिग्रिस और एक का नाम है यूथ्रेटिस। यही टिग्रिस जो देख रहे हो, इसी का नाम है दजला और इसी का नाम है फरात। ये दजला और फरात 2 नदियों के बीच के क्षेत्र में मेसोपोटामिया सभ्यता का उदय हुआ। वर्तमान में यह हमारे आज के मैप में इराक और ईरान के क्षेत्र में। देखो, आज के क्लास में एकदम फुल बेस आ जाएगा, आज अब किताब पढ़ने लायक होने लगोगे। कल तो पूरा लेसन खत्म, क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा। तो आज के इराक और ईरान में वर्ल्ड की सबसे पहली संस्कृति या नगरीय सभ्यता, नाम क्या है? मेसोपोटामिया, दजला और फरात नदी के बीच में शुरू हुआ। इसी में विश्व का सबसे पहला ज्ञात भाषा सुमेरियन, उसी में लिखना शुरू हुआ। इस समय शहर जो बना है तो कौन सी धातु का युग है? तांबा है कि कांसा है कि लोहा है? बोलो। वर्ल्ड में सभी जगह जैसी शहर आ गया है तो कांस्य युगीन सभ्यता शुरू हो चुका है। आपको देखो पिछले क्लास में ही समझाया, पहला नगरीकरण हमारा कांस्य युग में है, वर्ल्ड संदर्भ में भी यही। बाद में कांसा के बाद लोहा का खोज हो, और भारत के संदर्भ में लोहा के खोज से द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हो जाएगी। तो इस समय धातु में हमारा क्या चल रहा है? कांसा। इस समय मेसोपोटामिया में आपको जो समझाए थे, अंतिम बेस आपको दे दे, 2 नदी है। आपको पहले यह समझना है कहां पर की बातें चल रही। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यहां पे हमारे साथ समझना है कि ये अपना देश है, इसका नाम क्या है? भारत।
भारत के में ये जो देश देखे भारत, यहीं से ये जो देख रहे हो बॉक्स, इसका नाम सऊदी अरब है। ये सऊदी अरब है, ये जो देख रहे हो इसी का नाम अफ्रीका महादेश है। यही सऊदी अरब में यहीं पर एक खास दो नदी आके मिल रही है, एक नदी का नाम है दजला और एक नदी का नाम है फरात। ये दजला और फरात के इस सेक्टर में आपको हमने समझाया था कि वर्ल्ड का सबसे पहला जो शहर है, क्या तुम्हें मालूम है कौन सा शहर है? विश्व का सबसे पहला शहर के रूप में जो नाम है, इसका नाम है सुमेर। बात समझना, सुमेर से पहले कोई शहर नहीं है, सुमेर मेसोपोटामिया का ही पार्ट हो। तो विश्व का पहला शहर सुमेर है। सुमेर के अंतर्गत भी कई शहर, सुमेर भी केवल अकेले नहीं है, यहां भी कई शहर है। एक शहर का नाम है उर, एक है निपुर। ये सब जो शहर बोलेंगे, सब शहर हमारा सुमेर के नाम से है। इसी जगह का दूसरा नाम हम लोग दक्षिण में अक्कद बोलते हैं, अक्कद। आप लोग बीच बीच में उधर इंडियन चलेगा तो नाम आएगा अक्कद के राजा, बीच बीच में नाम आएगा कि, अब चुके देखो हड़प्पा सभ्यता यहां उसी के लगभग कुछ दिनों के बाद पैरेलल है, तो सबसे नजदीक यही पड़े, और इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का व्यापार यहां होगा। किसी भी किताब में जब इंडियन पढ़ोगे तो कोई आश्चर्य नहीं है, जब वहां लिखा रहेगा कि मेसोपोटामिया सभ्यता के ऊर और निपुर में इनका मुहर प्राप्त हुआ। अब वहां लड़का सोचेगा निपुर क्या है, तो वहां समझना है सुमेर का एक शहर का नाम ऊर है, निपुर है, ये अक्कद है। अक्कद बाद में यहाँ के शासक बने हैं, सबसे पहले यहाँ की जो भाषा भी है सुमेरी भाषा ही आती है, उसके बाद भाषा अक्कदी आती है। यानी मेसोपोटामिया सभ्यता का पहला भाषा कौन है? सुमेरी। उसके बाद की भाषा कौन है? अक्कदी, सेकेंड भाषा। ये मेसोपोटामिया के सबसे दक्षिण में है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मेसोपोटामिया के सबसे दक्षिण में कौन है? सुमेर। सुमेर की चर्चा बाइबिल में है, तुमको पहले भी समझाया, लोग सुमेर के लिए इसलिए परेशान भी थे क्योंकि ईसाई धर्म की प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है, और बाइबिल कहता है कि सुमेर में ईंट के मकान थे। अब वो कह रहा कि सबसे पहले ईंट के मकान सुमेर में बन, अब यहां के लोग खोजना शुरू किए कि क्या सही में ईंट के मकान थे, तो यहां पे काफी मात्रा में ईंट के मकान मिले हैं। हड़प्पा में भी काफी मात्रा में उस समय ईंट के मकान, उस समय पूरे छत का स्टेप आ चुका है, सहतीर के द्वारा लकड़ी के द्वारा छत भी दिए जा रहे हैं, तो सारे स्टेप हम लोग देखेंगे मिलता जुलता होगा, दोनों की तुलना भी हम लोग करेंगे। सुमेर से ऊपर कुछ समय के बाद आपको हमने बताया था कि इन जगहों में एक फिर शहर आएगा, इसका नाम है बेबीलोन। हम लोग देखे थे इस शहर का नाम क्या था? बेबीलोन। और यही इससे सबसे ऊपर की जो बात आ रही थी, इस शहर का नाम था असीरिया। और यही जो हम लोग तीनों पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात पे दिमाग में बैठाएंगे, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं सुमेर, बेबीलोन और असीरिया, ये तीनों को संयुक्त रूप से मेसोपोटामिया कहते हैं। देखो मेसोपोटामिया का मतलब कभी ये नहीं समझना कि मेसोपोटामिया कोई एक शहर है जिसका अध्ययन कर, मेसोपोटामिया के अंतर्गत कई शहर, उन शहरों में सबसे उत्तरी शहर कौन है? असीरिया। बीच में कौन है? बेबीलोन। दक्षिण में सबसे कौन है? सुमेर। सबसे पुराना कौन है? सुमेर की सभ्यता सबसे पुराना। आपके किताब में देखो पिछले दिन जब पढ़ाए थे तो हल्का बेबीलोन की चर्चा किए थे, बेबीलोन के ही एक राजा की बात कहे थे कि छठा राजा एक बना था जिसका नाम था हम्मुराबी, और आपको समझाए थे कि हम्मुराबी ने कैसे विधान संहिता बनाया था, याद है ना सबको? तो हम लोग के एनसीईआरटी के अनुसार बेबीलोन और असीरिया नहीं पढ़ना, इनकी चर्चा नहीं है, एनसीईआरटी में सुमेर ही डिटेल पढ़ना है। लेकिन फिर भी हम अपने आप की जानकारी के लिए हल्का बता दें। अब जैसे हड़प्पा सभ्यता में आप वहां के समाज कैसा था, वहां का धार्मिक जीवन कैसा था, वहां किस तरह से लोग रह रहे थे, जैसे यहां पढ़े थे वैसे ही पूरा डिटेल पढ़े। हड़प्पा सभ्यता में जैसे हम लोग वहां के सड़क के बारे में याद होगा कि हड़प्पा के सड़के टेढ़े मेढ़े गली टाइप का था कि चौड़े थे? चौड़े थे। हड़प्पा सभ्यता के सड़क किस एक दूसरे को समकोण पर काटते थे,
सड़क के किनारे मकान होते थे, सड़क में नाली था कि नहीं, दोनों तरफ नाली थे, तो ये सब हम लोग पूरे बढ़िया से हड़प्पा का जैसे पड़े, सेम कंपैरिजन करेंगे सुमेर्स, यहां नाली है कि नहीं, रोड है कि नहीं, मकान है कि नहीं, किस तरह का बनावट है, लोग कैसा रह रहे हैं, महिलाओं की स्थिति क्या है, आपको यहां महिलाओं की स्थिति पड़े है, सेम कंडीशन यहां देखे। जो लड़के हड़प्पा नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, सुमेर पढ़े रहोगे तब हड़प्पा जब पढ़ोगे तो दोनों को कंपैरिजन करो, उस समय तुम्हें आनंद आएगा कि इससे हम बढ़िया थे कि खराब। तो अब ये देखिए हम लोगों को जो पढ़ना है, जैसे ही मेसोपोटामिया बोले तो आपके दिमाग में मन में नक्शा बैठना चाहिए कि सबसे ऊपर असीरिया का पार्ट है, बीच में बेबीलोन का पार्ट है और नीचे हमारा ये सबसे पुरानी सभ्यता सुमेर का पार्ट। जैसे ही मानचित्र में उर लिखा रहे, निपुर लिखा रहे, तो आप समझ लोगे कि सब मिला के ही इसको हम लोग क्या कहेंगे, सुमेर का। उसी प्रकार इनके अलग शहर होंगे, इनके अलग शहर होंगे। आपके एनसीईआरटी में मैपिंग भी दिया है, हम चाहते हैं कि अब आप मैपिंग देख के बढ़िया से समझ सको। देखो अब धीरे धीरे मानचित्र समझोगे, चूंकि वर्ल्ड एंशिएंट सबसे टफ जोन, लेकिन अब आप धीरे धीरे इतना धीरे चले हैं तब आप कंफर्टेबल हो गए हो, आज के क्लास से अब खूब अच्छा से समझ पाओगे। देखिए अब यहां से सब लोग देखो, एक जगह यहां एनसीईआरटी में लिखा है और, एक जगह लिखा है उरुक, यहीं पर है निपुर, यहां पर है बेबीलोन। तो ये जो तुम देख रहे हो और उरुक, ये जो जगह देख रहे हो, ये हमारा जो फारस की खाड़ी के पास जो क्षेत्र है, ये बेल्ट का ही नाम सुमेर है। ये अलग है, इसका नाम बोलो क्या है, बेबीलोन, ये अलग। यहां पर एक अलग क्षेत्र है मारी। उसी प्रकार से ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहा है, यहां पर हमारा जो शहर है उसका नाम क्या है, असीरिया। बोलो तीनों पॉइंट्स क्लियर हो रहा है। यहां पे नदी हमारा कौन है, ये फरात, और एक कौन है, दजला। तो दजला और फरात दो रिवर है। यहां पर फिर से इस देख ले तो एकदम बिल्कुल स्टेप अब क्लियर हो जाएगा। यही जो सबसे नीचे है, ये जो देख पा रहे हैं, इसी में हमारा नीचे कौन है, उर, ए कौन है, उरुक, यहीं पर है निपुर। ऐसा ऐसा कई शहर है और इन शहरों को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, सुमेर। ये देखो सुमेर है, तो सुमेर सबसे दक्षिण में है, ध्यान रखेगा। ये स्टेप बोलो कौन है, बेबीलोन, और ये सब जो देख रहे हो इसी का नाम देखो क्या है, असीरिया। तो पहले तो ये बताओ, मेसोपोटामिया करके कोई जगह है कि नहीं, नहीं है, पहले ये ध्यान दो, नहीं तो कई लड़का हड़प्पा जैसा सोचने लगता है कि एकड़ों में मेसोपोटामिया सरका। मेसोपोटामिया का अर्थ है नदियों के बीच का भाग। तो इन नदियों के बीच दजला और फरात के जगह पे जितने भी शहर हुए सबको उस समय का कहा गया कि मेसोपोटामिया सभ्यता का पार्ट है। और मेसोपोटामिया सभ्यता के तीन भाग है, सबसे उत्तरी भाग असीरिया का, मध्य भाग बेबीलोन का, और सबसे दक्षिण भाग सुमेर का। इन तीनों में भी सबसे पहले कौन आया, सुमेर आया। बोलो एकदम क्लियर है सबका। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, शहर बनना कोई साधारण बात नहीं है, शहर बहुत मुश्किल से बनते हैं। शहर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि शहरों में अकेले उत्पादन का क्षेत्र नहीं, वो गांव पे आश्रित होते हैं। शहर के लोग खाना कहां से लाए, खेती तो करते नहीं, तो उनको दूसरे जगह से अनाज आएगा, तो अनाज कहां से आएगा, गांव से। शहर में ऐसा नहीं है कि वहां उत्पादन ही सब चल रहा, अब उनको कोई चीज चाहिए सजाने के लिए, पत्थर चाहिए, कुछ चाहिए, तो एक बड़ा बिजनेस सिस्टम चाहिए। उस समय व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, यातायात के लिए सबसे प्रमुख चीज क्या था, बैलगाड़ी, सबसे मेन बैलगाड़ी। शहरों में बैलगाड़ी बहुत ज्यादा रखना ठीक है कि नहीं, तो बैलगाड़ी के लिए बैल चाहिए, बैल के लिए खाना चाहिए, और खाना के लिए जो भूसा कुट्टी है गांव में होता है। अब तुम 20 को बैल रख लोगे तो खाना कहां से होगा, तो फिर अभी तो तुम सोच रहा है कि सर कुट्टी खरीद के ले आए, तू तो काटने वाला है ना, नहीं रहता तब दिन भर तुम कुट्टी काटेगा कि दिन भर व्यापार करेगा। उस समय कोई उस टाइप का है नहीं कि गाय भैंस को उस तरह से रखा है, बैल रखा है, उसके खाना का सप्लाई दे रहा है। अभी जैसा सुधा दाना वाला फैक्ट्री नहीं ना होगा कि दाना आएगा, ये खल्ली आएगा, उसको खिलाना बहुत टफ।
तो इसीलिए शहरों में बैलगाड़ी पर लोग निर्भरता छोड़ दी और व्यापार के लिए सबसे ज्यादा आश्रित हो गए जलमार्ग पर कि नदियों के माध्यम से नाव से सामान भेजेंगे तो नाव खाना नहीं खाएगा और कुछ नहीं करेंगे, वो कपड़ा खा ले टांग दिए, बैठा हुआ व्यक्ति चप्पू चलाएगा आराम से निकलते चला जाएगा, सामान बेच लेगा, बिना बैल के भी हो जाएगा। इसीलिए तुमको याद है हड़प्पा में भी लोथल की बात चली, बंदरगाह। बंदरगाह क्यों चल रहा है? क्या हड़प्पा से ये चाहता तो स्थल मार्ग से नहीं पहुंच जाता? पहुंच जाता, फिर बंदरगाह की जरूरत क्या है? फिर क्यों फारस की खाड़ी में जा रहा है, उर और नूपुर में सामान उतार रहा है? कारण यही है कि वो बैलगाड़ी से आंतरिक व्यापार हो सकते हैं हल्का, लंबा बाह्य व्यापार करने के लिए ये बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं है। बैल को लेकर चल देंगे ईरान, घर में है तो भूसा कुट्टी ठीक है, रास्ता में कहां से लेंगे? रास्ता में खल्ली और भोजन फिर बहुत टफ ड्यूटी हो जाएगा। इसी कारण से हम लोग देखेंगे कि जो बाह्य व्यापार है समुद्री बढ़ावा मिलेगा। अब देखो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात चले, शहर बनने के लिए दो क्राइटेरिया थे। शहर कैसे बसते थे, पहले जमाने के शहर की बात करें तो शहर दो डिजाइन से बसते थे। पहला सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या था? मंदिर के द्वारा शहर का स्थापना। भारत में इसका अभाव मिला है, लेकिन इधर जो तुम पढ़ोगे बड़ा उल्टा सिस्टम पढ़ो, मंदिर से सब शहर बस रहा और दूसरा व्यापार से भी बस सकता है। कई जगह व्यापार का मेन केंद्र बिंदु है तो उससे भी शहर बसे। एनसीईआरटी में दोनों को ही पढ़ना है, हम लोग मंदिर वाले शहर भी पढ़ेंगे, व्यापार वाले शहर भी पढ़ेंगे। मंदिर वाले शहर का मतलब क्या है आपको जान के गहरा आश्चर्य होगा। मेसोपोटामिया सभ्यता में जो आप बेबीलोन पढ़े, जो आप सुमेर पढ़ रहे हो, तो उस समय माना जाता था कि स्वर्ग के देवता यही रहते हैं मंदिर में, और इसके अगल बगल जितना लोग रहोगे डेली पूजा करोगे तो स्वर्ग पक्का है। कैसे? कई लोग अभी भी हैं जिनका काशी बनारस में मान्यताएं हैं कि काशी में जो लड़के जो लोग मरेंगे वो लोग सीधे स्वर्ग जाएंगे, उनके लिए डायरेक्ट द्वार होता है। तो कई बूढ़ा बूढ़ी डायरेक्ट कहते हैं कि बेटा वहीं किराया पर डेरा लेकर रखो, कम से कम प्राण वहीं निकले तो डायरेक्ट रहे। कई वैसे भी लोग, कई लोग खूब ठंडा में बूढ़ा बूढ़ी के डुबा डुबा के नहाए में मार देते हैं कि चलिए डायरेक्ट वहीं नहाएंगे, और मार दिया ठंडा पार लग गए तो बड़ा अच्छा है, घर आके कहे कि काशी में मरे हैं सीधे स्वर्ग। कई लोग इधरों मरते हैं तो उनका लाश काशी में ले जाके जलाते हैं कि चलो आधो स्वर्ग तो चाहे। तो कल्पना है उसी तरह का, एक काशी इसीलिए आधा का मतलब उनको दिखाया जाएगा कि स्वर्ग है, लेकिन तुम कर्म अच्छा नहीं किया देख लो, लेकिन चलो उधर वहां तक देख तो लेगा ना, तो जो नरक जा रहा है वो देखेगा भी नहीं कि स्वर्ग कैसा है। तो अब ये देखिए ये क्यों बता रहे हैं, बता रहे हैं आज के जमाने में भी धर्म वाला जगह पे लोग देखो रहने जा। उस जमाने में तो धर्म का ही इंपॉर्टेंट, उस जमाने में बड़े बड़े मंदिर एक बनाए जा रहे हैं, पहला स्ट्रक्चर है जिसमें ईंट का प्रयोग हो रहा। लेकिन इन मंदिरों में कच्चे ईंट थे, पके हुए ईंट नहीं, और इस मंदिर को बड़े बड़े मंदिर को जिगुरत कहा जाता था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको इस शब्द मिलेगा जिगुरत। मेसोपोटामिया सभ्यता में जब भी हम जिगुरत बोलेंगे तो आप समझ लेना कि जिगुरत का मतलब क्या है, बड़े बड़े मंदिर। इस मंदिर में कई वायु देवता तो सूर्य देवता सबके मंदिर बड़े बड़े हैं, और इस मंदिर को अभी दिखाएंगे भारी भरकम मंदिर है, कोई साधारण नहीं है। और इसी मंदिर का जो हेड पुरोहित है वही पिट पिट के आशीर्वाद देता था, कहता था कि हम भगवान के करीब हैं, हम सजा देंगे, हम सब करेंगे, और यही बनता था राजा। बगल में जो बस गए वो है प्रजा, और ये जिगुरत मेन सेंटर है, यही से सब चीज चले। और देखिए जिगुरत वाला जो सिस्टम है इसी से सुमेर का डेवलपमेंट है, इसीलिए बाइबल में इसका नाम है, वहां ईंटों का स्वर्ग का मंदिर। लोगों ने सोचा क्या सही में है, उसके बारे में जानते नहीं थे, बाइबल से लोगों के अंदर उत्सुकता हो, बाद में उत्खनन हुआ जैसे हड़प्पा का देख, उसके बाद हम लोग को मालूम चला कि हाँ कई बाइबल में जो लाइन लिखे हुए सही है, यहां ईंट के सिस्टम है।
और इसी सिस्टम को थोड़ा हम लोग देखें जिगुरत को भी, नगर के निर्माण में अभी हम लोग देखें दो तरह से है, मंदिर के चारों ओर नगर बन सकते हैं, जिसका उदाहरण हम लोग क्या देखें सुमेर बेबीलोन ये सब जो देख रहे हो मंदिर के चारों ओर है, या व्यापार के केंद्र के रूप में भी डेवलप हो सकते हैं। और एनसीईआरटी में ऐसा एक शहर दिखाया है, इसका नाम क्या है मारी। अभी जस्ट मारी शहर को आपको हमने मानचित्र में भी दिखाया था, ये फरात नदी के किनारे यही शहर है, कौन मारी। मारी शहर और उर और उरुक शहर में अंतर है। मारी शहर का डेवलपमेंट किस आधार पर है, व्यापार के केंद्र बिंदु के आधार पर, जबकि इन शहरों का आधार, इन शहरों का आधार बिंदु हम लोग देखें कि ये मंदिर के आधार पर डेवलप किए। तो इसीलिए बताओ मारी के और उरुक के देवता एक होंगे कि अलग अलग, अलग अलग हो, दोनों के देवता भी चेंज करेंगे। तो हम लोग के सिलेबस में मारी भी डिटेल पढ़ना है, इधर भी डिटेल पढ़ना है। तो अब इसमें ये लाइन बिल्कुल आपका क्लियर हो गया, अब आपसे क्वेश्चन देगा ऑब्जेक्टिव, मारी शहर उदय हुआ व्यापारिक केंद्र के रूप में कि मंदिर के केंद्र के रूप में, व्यापारिक, बोलो सुमेर शहर उत्पन्न हुआ मंदिर के चारों ओर। अब यही मंदिर जो आप देख रहे हो, ये मंदिर को बढ़िया से देखो, ये मंदिर है, यही जिगुरत है, उस जमाने का मंदिर यही है, ये जो तुम देख रहे हो ठीक से देखो, पहले समझो, ये पूरा चढ़ने की सीढ़ी है, इस चढ़ने की सीढ़ी है, ऊपर में पूरा इनका बना हुआ सिस्टम है, और इसी पर चढ़ेंगे तो यहां सबसे ऊपर चढ़े तो डायरेक्ट स्वर्ग का कनेक्शन है। और ये जो दिया हुआ है जिगुरत, इसी में अंदर राजा का रेसिडेंस है, और वो कह रहे हैं भगवान के साथ हम हैं, तो राजा भगवान का आदेश बोल बोल के लोगों को जो चाहता था जो करता था। देखो इसी पर कई लोग, ये पढ़ने से फायदा क्या हो रहा है, एक और चित्र दिखा दे, ये जिगुरत का एक और चित्र आप देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। इस स्ट्रक्चर को आप देख पा रहे होंगे, यही सीढ़ी था, ऊपर के स्ट्रक्चर को आप देख पा रहे होंगे, सबसे ऊंचाई भवन, तो जिगुरत एक महला है कि कई महल, कई महल, उस जमाने का पढ़ रहा हो जिस समय इंडिया में हड़प्पा है, उस समय वहां देखो क्या स्ट्रक्चर है, इंडिया का स्ट्रक्चर देखो, लेकिन दोनों में अंतर बेसिक फर्क देखो। कई लोग हड़प्पा भी जब पढ़ते हैं तो वहां कहते हैं कि यहां पुरोहित का शासन, लेकिन कई इतिहासकार फिर यही धरते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में, खड़ा हो देखे, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर किसके बने थे, पक्के ईंट के कि कच्चे ईंट के कि पत्थर के, हड़प्पा में नहीं पढ़ाया, अच्छा कोई बात नहीं, तो बैठ जाइए। तो हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नहीं थे, सुनते जाओ बढ़िया से समझो, जब इंडिया के संदर्भ में आएंगे तो भगवान की मूर्ति है कि नहीं, बोलो, तो मूर्ति है, पशुपति शिव है, मातृदेवी है, आगे पढ़ोगे तो भगवान की मूर्ति है लेकिन मंदिर नहीं। और इसीलिए कई लोग मेसोपोटामिया जैसा भारत में थोपना चाहे कि भारत में पुरोहित का शासन था हड़प्पा में, तो लोगों ने कहा कि कहां सुमेर भाग रहे, वहां पुरोहित इसीलिए सही हो रहा है क्योंकि वहां जिगुरत है, मंदिर है, इंडिया में कहां मंदिर, बेसिक डिफरेंस समझो। भारत में जो भी मकान थे पक्के ईंट के थे, इनका स्ट्रक्चर इतना बड़ा विशाल देख रहे हो लेकिन ये कच्चे ईंट के हैं, और ये सब सुमेर में मिले कि वाह इतना बढ़िया इनका सिस्टम है, राजा है और सिस्टम वर्क कर रहे हैं। इस बड़े बड़े मंदिरों का नाम क्या है, जिगुरत, बोलो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जिगुरत कहते। अब इसके स्टेप को आगे की ओर बढ़ाएं, हम लोगों के सिलेबस में सुमेर की सभ्यता पढ़ना। अब देखो मेसोपोटामिया का तीन पार्ट पहले दिमाग में आ गया, नीचे कौन है सुमेर, बीच में बेबीलोन, ऊपर असीरिया। हम लोग अभी पार्ट देख रहे हैं कहां का, सुमेर का, तो सुमेर दक्षिण में। सबसे महत्वपूर्ण है मेसोपोटामिया सभ्यता के सबसे पहला शहर कौन है, पहला नगर कौन है, तो सुमेर। मेसोपोटामिया सभ्यता का पहला नगर, विश्व का पहला नगर भी कहे तो एकदम आंसर सुमेर हो। क्या सुमेर सिर्फ एक जगह है या कई शहरों का समूह, तो कई शहरों का समूह है, ये भी ध्यान रखना, सुमेर की एक सभ्यता है, कई शहरों में एक तरह के लोग जो रह रहे उनको सुमेरियन सभ्यता कहा गया। कारण
इनकी भाषा सुमेरियन थी। देखो तुम्हारे मन में आएगा कि सर सुमेर जब शहर नहीं है तो फिर सुमेर सभ्यता क्यों कर, क्योंकि सभी जितने शहर पढ़ रहे हो सबकी भाषा सुमेरियन थी और वर्ल्ड का पहला भाषा सुमेरियन भाषा है। क्वेश्चन आएगा विश्व में सबसे पहले किस भाषा का उदय हुआ, सुमेरियन भाषा। और ये जो देख रहे हो सुमेर सभ्यता 3500 ईस्वी पूर्व में ही भारत में लगभग 800 साल बाद 2700 2750 ईस्वी पूर्व से हड़प्पा का फेज। देखिए भारत में यहां से 700 साल बाद का चरण शुरू, उससे भी पहले यहां ऑलरेडी चल रहा था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दक्षिण का एक शहर है उरुक, इसी उरुक से दक्षिण शहर उरुक से पढ़ना लिखने की सिलसिला शुरू हुई। तो आपको 3-4 शहर ध्यान रखना है सुमेर का, उर, निपुर, उरुक, एरिडू। लेकिन एरिडू नहीं भी याद है तो चलेगा, केवल ये तीन तो हम समझते हैं हर बच्चे को याद होगा कि जब हम सुमेर की सभ्यता बोलेंगे उर, निपुर और उरुक। बोलो ये तीनों बिल्कुल क्लियर है सबका, हम सब पूछेंगे, दिमाग में एकदम स्ट्रक्चर बैठते जाना चाहिए। तब अब पढ़ेगा तो धीरे धीरे इंटरेस्ट मिलेगा कि हाँ शहर बहुत बढ़िया हमारा चल। तो सुमेर की सभ्यता में उर है, निपुर है, उरुक है, ये सब प्राचीनतम शहर है। ये सुमेर के दक्षिण शहर किसको कहते, उरुक को। अब इसमें देखें प्रत्येक शहर में उर हो, निपुर हो, उरुक हो, एरिडू हो, सब में सबसे मेन रहते थे उच्च पुजारी। और यही सबसे उच्च पुजारी को ही हम लोग क्या कहते थे, पुरोहित। ये पुरोहित को ही परेस्ती कहते, यही शासन करते थे। यानी मेसोपोटामिया सभ्यता में मेन केंद्र बिंदु जो राजा थे वो पुरोहित। इसी को देख के कई लोग भारत के संदर्भ में जब पढ़ाएंगे, देखो जब गहराई जाएगा तो तुमको वहां समझ में आएगा। भारत में भी मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाला एक पुरुष मिला तो कई इतिहासकार कहे कि पहचान गए दाढ़ी यही पुरोहित है। और भारत में भी पुरोहितों का शासन, तो कई लोग कहे कि और पुरोहित जी कहां के? एक पुरोहित मिल रहा है, इसका मतलब उस समय का ही फैशन था, ये नया रखा होगा, ये पुरोहित नहीं। और पुरोहित थे तो इनका घर मंदिर कहा गया, जैसे वहां जिगुरा था वैसा बड़ा क्यों नहीं। तो भारत में क्वेश्चन गायब है और भारत का लिखा हुआ हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। तो इसीलिए जब हड़प्पा पढ़ते हैं तो उसमें शासक कौन, तो हम लोग चुप हो जाते हैं कि कौन पता ही नहीं। लेकिन जब हम यहां पढ़ रहे हैं तो इनका लिखा हुआ सब हम लोग पढ़ ली, इसीलिए यहां कंफर्म हो गया कि इनका शासक कौन, तो जो जिगुरत का हेड, और जिगुरत का हेड कौन, पुरोहित। इसीलिए पुरोहित द्वारा सुमेर की सभ्यता पे शासन चल। बोलो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है। इंडिया संदर्भ में भी हम लोग जोड़ेंगे, दाढ़ी वाले पुरुष को पुरोहित जब बोलेंगे तो तुम मुस्कुराओगे कि ओ इसको कोशिश किया जा रहा है सुमेर से जोड़ने का, ये तुमको भी एहसास होने लगेगा। ये नहीं पढ़े रहोगे तो दाढ़ी वाले पुरुष पुरोहित है, घरे जाके रटेगा पुरोहित है, कहां जोड़ रहा है, कुछ टावरे नहीं धरे। सुमेर में सब मिलेगा, मंदिर, मूर्ति, राजा, लिखा पढ़ा सब, हम लोग सब इनका लिखना पढ़ना वाला सब चले, यहां तक कि हिसाब किताब लिखने का काम भी इतना बेजोड़ कि पढ़ के हंसी आए। इसलिए तो लेखन कला चल रहा, पेज नहीं थे, कलम नहीं थे, फिर भी लोग पढ़ते थे, हर हिसाब को लिखते थे, इतना बढ़िया हिसाब लिखते थे कि किसी को देते थे तो कुछ भी हिसाब है तो उस दिन मिट्टी लाते थे, पानी से पूरा मिट्टी को एकदम गीला किए और खूब बढ़िया से मिट्टी को ऐसे बना दिए और मिट्टी को स्लेट जैसा ऐसा बना करके एक लकड़ी सरकंडे का लिए और उसी से जो हिसाब किताब है इस पर खूब बढ़िया से सब लिख दिए और उसको धूपा में सुखा दिए, लिखावट तैयार। ऐसा ढेरे आलू 4 किलो और प्याज 5 किलो वाला बहुत सारा हिसाब यहाँ पे बहुत सारा ऐसा मिला है जो मिट्टी में ऐसे करके लिखा है। राजा भी कोई आदेश देगा, न्याय देगा, कोई फैसला देगा तो उसके लिए फैसला के बाद वही होता था, मिट्टी सानो, पकाओ, लाओ इधर, फैसला दिया जाता है और इसको रख दो, दे। अब सोचिए कि इस टाइप के डिजाइनिंग यहाँ चले हैं तो ऐसा कई लेख है जो नहीं पेज है तब भी ऐसा, फिर अगर उसका काम हो गया तो अब इसको फिर दोबारा जरूरत नहीं है, फेंक दिए, फिर दूसरा ऐसा बना ली। बारिश का मतलब ये पेज जैसा तुम्हारा कॉपी बारिश में नहीं गलेगा, ये घर में ना रखने के लिए है, तुम्हारा कॉपी में नहीं चिंता आ रहा है, इनका वाला में चिंता आ रहा है।
तो ये लिखा हुआ सुरक्षित रखते थे जहां पे बारिश का पानी नहीं आता था। और इस तरह के सिस्टम से अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो पहले ये देखिए सुमेर की सभ्यता के बारे में हम लोग देखें तो इनका तीन मेन शहर हर बच्चे को याद चाहिए, ऊर, नेपुर और उरुक। ये बात एकदम क्लियर है सबका। अब इंपॉर्टेंट सुने, बहुत अच्छा प्रश्न है, सुमेर की सभ्यता में मंदिर को क्या कहते थे? जिगुरत। अभी जस्ट हम लोग सुने मंदिर का नाम जिगुरत। सुमेरियन सभ्यता में भी न्याय व्यवस्था वही था, आंख के बदले आंख और कान के बदले कान। यानी कोई व्यक्ति अगर मारा और कान कट गया तो बस कुछ नहीं है, न्यायालय में केस होगा, न्यायालय कहेगा कौन तुम्हारा कान काट दिया था, फलाना बुलाओ, उसका भी कान उतना काट दो। आंख वो फोड़ दिया तो कोई बात नहीं है, अगला को जेल भेजेंगे तो फिर बैठा के खिलाना पड़ेगा, बोला कि उसका भी वो आंख फोड़ दो, बस बराबर का हिसाब किताब। अब देखिए इनका सुमेरियन सभ्यता का इतना बढ़िया न्याय है कि आंख, क्वेश्चन है कि सुमेरियन सभ्यता का न्याय व्यवस्था आधारित था, तो आपको ध्यान रखना है आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ। एक हाथ के एक उंगली काट दिए तो सेम उसको बुला के वही उंगली काट दिए, छुट्टी, जाइए, हो। तो ये न्याय व्यवस्था हम लोग देखे। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग शुरू कर रहे हैं, सुने आप ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि तुम्हारा किताब इतना एनसीईआरटी साइलेंट मोड में है कि वहां पता ही नहीं चलता है बच्चों, वहां अचानक लिख देगा उर के वर्ण, एक पैराग्राफ में भेंट हो, अब लड़का बेचारा सोचेगा ये क्या लिखा है, उर का वर्ण समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब तुम्हारा टावर धरेगा, जैसे हम उर बोले तो समझ लोगे कि उर, नेपुर, उरुक, ये सभी हमारा सुमेरियन सभ्यता है, और सुमेर की सभ्यता में कैसे लोग रहते थे ये हम लोग इसको पहले सीखे। हाँ, सब टर्मोलॉजी हम खुद ही यहां डिटेल भी कर दे रहे हैं। कोई पर्पस नहीं, वो शुद्ध ऐतिहासिक शब्द है, हम लोग जो बोलते हैं वो ऐतिहासिक शब्द नहीं, बोलचाल। भाषा दो तरह का होता है, एक साहित्यिक और एक लौकिक। तो हम लोग ज्यादा लौकिक प्रयोग करते हैं, लौकिक माने जो इस लोक में ज्यादा बोला जाता है, और एक शब्द होते हैं जिनको बोलते हैं साहित्यिक, जो साहित्य के लिए ज्यादा उपयुक्त होते हैं। तो एनसीईआरटी साहित्यिक वर्ड को लिखते हैं और उस वर्ड को लौकिक शब्द में क्या कहते हैं उसको डिटेल करते हैं। हाँ हाँ, एनसीईआरटी इस फॉर्म में लिख देगा तो टीचर किस लिए, और एनसीईआरटी का कोशिश होता है कि हम बैठ के बार। अच्छा ये बताओ, तुमको हम कहें कि तुमको लिखना तो तुम क्या चाहोगे, बच्चा तुरंत समझ जाए कि थोड़ा चिंता में रहे, क्योंकि तुमको काबिलियत तो दिखाना भी है, तुमको दिखाना है कि हम लिखे एकदम हाई फाई सिस्टम है। तो उसमें एनसीईआरटी में जो विद्वानों का समूह बैठते हैं, ईमान के चलते हैं कि ग्रहमा के बच्चे के बारे में इतना ही सब आइडिया होगा, और इसीलिए वो आधे से शुरू होते, और वो तो चुके ओरिजिनल आप लोग के हम नसे नस जानते कि बेचारा को ई वाला लाइन आएगा तो हमको कनेक्शन जोड़ना कहां से, इसीलिए हमको थोड़ा बैकग्राउंड लगाना पड़ता है। जो टीचर नसे नस नहीं जानते हैं तो वो बेचारे अपना रीडिंग में रहते हैं, तो लड़के कहते हैं कि ना टावरे नहीं धर रहा, वहां थोड़ा टावर गड़बड़ होता है, और कोई बात नहीं। तो चलिए हम लोग इसको सुनते हैं। हाँ, मेंस में आपको लिखना है तो हमेशा हमने बताया है लेखन शैली के लिए आपको कोशिश करना है लौकिक भाषा का कम प्रयोग और साहित्यिक भाषा का अधिक प्रयोग। साहित्यिक भाषाओं में परिवर्तन कम होते हैं, कुछ कठिन साहित्यिक शब्द को लौकिक में देके उसको स्तर लगाकर डिटेल करता है एनसीईआरटी, और कुछ नहीं, लेकिन हम लोग दोनों ही लेके चलेंगे। अब जरा ध्यान से सुनिए, उर जैसे ही लिखे तो आप सारे बच्चे समझ गए कि यह एक सुमेरियन सभ्यता का एक टाउन है, ये तो बात समझ में आ गया। उर है, नेपुर है, उरुक है, सभी टाउन। इस टाउन के बारे में डिटेल आपका एनसीईआरटी दिया है। उर टाउन किस देश में वर्तमान में है, ईरान में। 16वीं शताब्दी में सबसे पहले यही जो देख रहे हो लियोनार्ड बुली, इसके सबसे पहले उत्खनन की, उत्खनन का रीजन था सुमेरियन सभ्यता का वर्णन बाइबिल में करना। लोगों अब तुम ही बताओ, तुम्हारे रामायण में वर्णन है तो तुम्हारे अंदर उत्सुकता रहती है कि क्या सही में लंका में जलाए थे हनुमान जी और वहां जला हुआ सिस्टम है, तुम्हारे अंदर उत्सुकता रहती है, कहीं मिलता है तो तुम उसको देख के यस करते हो, कई लोग को विश्वास नहीं रहता है तो नो वाले रहते हैं,
कि हाँ सोना के लंका था तो सोना जलता कैसे, बहुत तरह का क्या गल गया था। अच्छा बहुत बड़ी बहुत तरह की बात। अब देखो तीन तरह के लोग हैं समाज। कुछ लोग पहले अगर देखो पहला सॉफ्टवेयर तुम पे लोड करेंगे तो तुम दूसरे विचार पे चले जाओ। राम को कहा गया कि भगवान है हर चीज जानते, तो क्या राम को यह पता नहीं था कि जिस सोना के हिरन के लिए हम जा रहे हैं वो हिरन सोना का नकली है? अगर वो हिरन को ही नहीं जान पाया तो फिर वो सब कुछ कैसे जान रहे थे? सवाल तो उठ रहा है ना, राम क्यों गए थे हिरन के पीछे गए थे? तो उनको हिरनों नहीं पहचानने आ रहा कि ओरिजिनल किस चीज का है तो कैसे चले गए थे? सवाल तो है। जब हाँ क्या है वो पहचाने होंगे ऐसे गए कि चलो जरा थोड़ा सा सीता को जाने देते हैं हरण हो करके। अच्छा हाँ ये आइडिया भी आपका ठीक ही कह रहा कि वो ये भी नहीं जान रहे थे। एक व्यक्ति ही था हाथ देख के बताता था कि हम जो बोलेंगे सब सही हो जाएगा, तो लेकिन जनरली बोलता था कि हम जो बोले 100% सही हो। एक व्यक्ति गया कहा कि एकदम 100% सही था, कहा 500 लेंगे, तो कहा ठीक है देखो पूरा देख लिया सब बता लिया। उसके बाद जाने लगा तो बुलाया इधर पैसा नहीं दिया 500। कहा कि ये बताओ तुम अपना हाथ देख के आ जाया था कि हमको देखेंगे तो 500 हम देंगे कि नहीं? हमारे पास 500 है ही नहीं, हम तो तुमको चेक कर रहे थे कि जब ये अपने नहीं जान रहा तो मेरा ही क्या बताया। सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना जी, ये अपना ही नहीं जान रहा है कि हमको आज एक हाथ दिखाने आएगा और 500 में एक चवन्नी नहीं देगा, तो मेरा कैसे तुम बता रहा है कि तुम आगे 5 लाख कमाओगे 5 करोड़ कमाओगे? तो खैर बिचारे तो बहुत है लेकिन हम उधर विषयांतर नहीं जाना चाह रहे, तेजी में जरा यहाँ लौटो ध्यान दो। अब इसमें हम लोग ध्यान दें तो उर जगह हमारा कहाँ स्थित है? ईरान में। सबसे पहले इसके उत्खनन करने वाले व्यक्ति का नाम ध्यान रखना है बुली। बुली सबसे पहले उत्खनन किए लेकिन 16वीं शताब्दी में, बहुत उत्खनन नहीं। हम लोग को भी मालूम है हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ, 1921-1922। इस समय चारों तरफ उत्खनन चल, और इसीलिए 1921-22 के बाद जब इंडिया कहा कि वर्ल्ड का सबसे पुराना हम, तो 1930 में ये उर का पूरा उत्खनन हुआ। और हड़प्पा में ज्यादा उत्खनन नहीं किया, यहां बेगारी हुआ। उत्खनन दो प्रकार से होते हैं, एक अनुलंब और एक क्षैतिज। एक होता है कि बस एक जगह गड्ढा करते जाओ, नीचे देखते जाओ और जो जो मिल रहा है निकालते जाओ और फिर लिखो कि हाँ ये मिला वो मिला। दूसरा है पूरे टीला को एकदम धीरे धीरे हटाओ, तो ज्यादा खर्च किसमें हो, पूरा टीला हटाने में। तो हड़प्पा में हम लोग पूरा टीला कहीं नहीं हटाए, थोड़ा सा हटाए, थोड़ा सा जो निकला बस उसी पर बैठ के लिख दी। क्यों? खर्च ज्यादा था। उस समय अंग्रेज था हमारे यहां और हम लोग जो अंग्रेज खोज करने वाले थे, वो जो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी देख रहे हो, जान के जॉन मार्शल हाईलाइट होना चाहते थे, वो ऐसा चीज निकालना चाह रहे थे कि पूरे वर्ल्ड का ध्यान इंडिया की ओर आए कि अरे वहां भी विद्वान लोग है, और इसीलिए एकदम इसको भी खींच दी। 30 के दशक में उर का बहुत अच्छा से इतना बढ़िया उत्खनन हुआ कि जिसको हम कहते हैं क्षैतिज उत्खनन, और उसके द्वारा इनके सारे सिस्टम की जानकारी मिली। इस सिस्टम में अब एक एक चीज चलेंगे। अब हड़प्पा में जैसे आपने पढ़ा कि इनके सड़कें समकोण थी, हड़प्पा के जो भी सड़क थे सीधे थे, क्या हड़प्पा में कोई ऐसे गली थे जो बंद हो गए? नहीं, हर गली सीधा। कोई ऐसा गली था जिसमें बैलगाड़ी नहीं जाएगा, आगे पैदल जाना है? नहीं। ये उर में हम लोग देखें सुमेरियन सभ्यता की जो सड़क थी, हम लोग सुमेरियन सभ्यता के उर का जो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में चित्र दिया है, यही देखो उर नगर का रिहायशी इलाका 2000 ईस्वी पूर्व का है, हड़प्पा के पैरेलल। इस समय इंडिया में हड़प्पा है, उधर सुमेर में उर चल रहा है। इसके आपके टेढ़ी मढ़ी गलियों के अलावे तीन बंद गली का खोज करना, बैठ के वो अपना घर में खोज करते रहना, कौन गली में घुसेंगे तो गली जाके आगे बंद हो जाएगा, वो बैठ के खोजना। इसमें अभी हम लोग को ये देखना है कि क्या हड़प्पा जैसा इसके सड़क समकोण पर काटते हैं? नहीं, जिलेबिया कट जैसे तैसे। क्या सभी सड़क की चौड़ाई अंदर तक समान है? हम इसमें घुसते हैं तो यहां से ऐसे ऐसे जाते गए फिर यहां जाते गए, लीजिए यहां से टर्निंग दूसरा होगी, यहां गली ही जाके बंद हो, ये टर्निंग पॉइंट्स।
हड़प्पा में ये चीज नहीं मिलती। और इसीलिए हम लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है कि यहाँ की जो सुमेरियन सभ्यता में सड़क है, कंपैरिजन करवाएगा यूपीएससी और बीपीएससी में बैठोगे तो जो लड़का एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहा वो हड़प्पा खाली पढ़ के जाए, तो सेटर अगर बढ़िया एनसीईआरटी वाला मिलेगा तो जान के दे दे कि मेसोपोटामिया सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में तुलनात्मक सही है। पहला, दोनों जगह की सड़क चौड़ी और एक दूसरे के समकोण पर काटते थे, सही है कि गलत है? गलत है। अभी पढ़ा तब ना, नहीं तो दोनों तुमको लगेगा वही है। दूसरा, अभी मान लो नहीं पढ़ाए हैं और वो दे दे, दूसरा दे दे हड़प्पा सभ्यता में जितने पके हुए ईंट के प्रयोग हुए मेसोपोटामिया में उतने पके ईंट नहीं मिलते, जल्दी बोलो। तीसरा हम दे रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता और मोहन जो इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों में जल निकासी का बेहतर प्रबंधन था, सही कि गलत? अभी पहले पूरा सुन लो तब क्वेश्चन दे। अभी तो जो बच्चा हड़प्पा नहीं पढ़ा है तो अभी उनके प्रश्नवाचक चिन्ह है तो कोई बात नहीं, अभी एक पार्ट ठीक कर लो। बरहमा का शुरुआत ही हड़प्पा से, जैसे ही बरहमा आएंगे ना तो उसका शुरुआत हड़प्पा है, तो उस समय ई पढ़े रहेगा तो उधर टावर जुड़वाएंगे मेसोपोटामिया, कहेगा जी धर रहा है टावर, अब तब हड़प्पा जी धरा, अब तब मिला के मिक्स क्वेश्चन तो यूपीएससी मॉडल हो जाएगा। तो ये तुमको अभी पहले समझना है। तो पहले हम लोग देख लिए क्या इनके सड़कें समकोण पर है, नहीं, चौड़े है कि गली है, गली भी है, कई सड़कें बंद भी है, और इस तरह की स्थिति है कि घर तक ले जाने के लिए अनाज बोरा ईंधन लकड़ी बैलगाड़ी नहीं भी जाए। आजकल के गांव जैसा है, कई लोगों का घर गांव में ऐसे जगह पे है जहां दूल्हे राजा बेचारे गोदी में टंगा के जाए, चार चक्का नहीं जाएगा। कई लोग कहा है कि सीधे पहुंच रहा है, और कई लोग कहा है कि विशेष ऐसा लगन रखा जाए जिसमें खेत खाली रहे तो ड्राइवर को डांट डांट के उतार के पहुंचा देते। तीनों वैरायटी देखा है ना, ड्राइवर कहेगा हूं इधर जाएगा, ए कल है गया उतार, चुपचाप मारे लगेंगे, बेचारा उतारा आरी काट काट के पीछे से पहुंचा दी। दूसरा जगह है कि कोई उपाय नहीं, हमें टंगा ही के जाना, तीसरा डायरेक्ट। तो मेसोपोटामिया के इस उर का भी कई घर ऐसा था जहां पे उनको बोरा और ईंधन ले जाने के लिए उनको बैलगाड़ी से नहीं जाएगा, वो स्पेशल टंगा के जाता था। किस पर, किस पर टंगा के जाएगा? नालायक गधे पर। गजब है प्रखरे, अपने माथा पर टांग लगा, ये सब तो इतना विद्वान है। तो गधे के पीठ पर लाद देते थे और घर में पहुंचाते थे। तो ये देखिए, एक है नगर नियोजित था कि अनियोजित। नियोजित कहते हैं, शब्दों पर ध्यान देगा, नियोजित कहते हैं जो प्लान बे में सोच समझ के बसाया जाए, अनियोजित कहते हैं जैसे तैसे अनप्लान में बसा। तो बोलो ये हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजित, मेसोपोटामिया के जो नगर देख रहे हो वो नियोजित है कि अनियोजित? अनियोजित, किसी प्रकार का कोई नियोजन नहीं है। हम लोग दोनों को कंपैरिजन चले, किसी प्रकार का कोई नियोजन नहीं है इसमें, जैसे तैसे बसाया हुआ है, गली चल रहा है बीच में घर बना दो। आजकल के हम लोग का गांव यही अनप्लान्ड है, शुरू में गांव में लगेगा कि यहाँ ट्रक घुसे और फिर जैसे ही है आगे बीच में वो घर बना दे, बेलोरो लाइक हो गए। फिर इधर आगे बढ़े तो मालूम चला कि बीच में वो घर बना के और आग ही सीढ़ी निकाल दिया, इधर वाला देखा कि तुम सीढ़ी तो हम भी सीढ़ी, बीच में अब बोलोरो भी काम खत्म, पैदल वाला हो गया। जब पैदल वाला हो गया सीधे आगे बढ़े तो बस ठीक रास्ते पर एक भैंस बांध दी, वो अपना पूरा पूंछ भिंगा के एकदम स्वागतम स्वागतम तैयार। तो ये जो तुम देख रहा है यही है अनप्लान अनियोजित। ये अनियोजित और नियोजित समझ में आया तो बताओ सुमेरियन सभ्यता हमारा नियोजित है कि अनियोजित है? अनियोजित है, जैसे तैसे बसा है। नाली की बात चले, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी इतना बढ़िया था, नाली साधारण नहीं समझ, नाली देखते ही तुम समझना कि स्वच्छता के प्रति जागृत, तभी लोग नाली बनाए। जो गांव स्वच्छता के प्रति जागृत है वो नाली कभी भी रोड पर नहीं भेजे, वो या तो नाली बनवाएगा या एक गड्ढा रखेगा। उस गड्ढा के लिए एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा है हौज, और उस पर स्टार लगा दिया है। तो हौज देखोगे एनसीईआरटी तो वहां शब्द लिखा है, वो साहित्यिक शब्द है हौज, ठेठ भाषा लौकिक शब्द है गड्ढा।
तुम लोग भी गांव में देखा होगा, कई व्यक्ति नाली नहीं बना है तो कुछ व्यक्ति अपने घर के आगे किनारे में वो हौज जैसा बना दी, हौज समझ गया सब ना, उसी में पानी अपना जमा हुआ, कुछ दिनों के बाद इसको निकाल निकाल के बाहर फेंक दी। जो व्यक्ति स्वच्छता के प्रति जागृत नहीं है उस गांव में नाली का पाइप रोड पर, कोई बोलेगा तो कहेगा नाली घर में रहेगा, तुम समझो सरकार नहीं बनाई है, कैसे जाएगा जो हम नहीं जानते। तो ये दोनों तरह के आपने गांव देखा हो, बताओ ये मेसोपोटामिया में क्या हाल हो, नाली किधर हो, सड़क के एक ओर की दोनों ओर, जल्दी बोलिए दोनों ओर, किसी ओर नहीं है, घर में ही है। इनका सिस्टम हौज में था, अभी बता रहे नाला की हौज, अब तुम एक ओर दोनों ओर लगाने में लग गए। इसीलिए सबसे ज्यादा अंतर इस जल निकासी प्रबंधन में है। जब तुम हड़प्पा पढ़ोगे तुमको क्वेश्चन देगा हड़प्पा से मेसोपोटामिया कंप्लीट अलग, हड़प्पा किसमें सबसे अच्छा है, तो जल निकासी प्रबंधन। इतना अच्छा प्रबंधन समकालीन किसी सभ्यता में नहीं। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर आपको यह ध्यान रखना है कि नाली के लिए जो हौज है ये घर में ही बना हुआ है। तो हम लोग ये समझ गए कि हड़प्पा सभ्यता में तो घर में नहीं था, उसमें बाहर था, इसमें सड़क के किनारे दोनों तरफ नाली था, इसमें घर में ही जब हौज है तो इसका मतलब छत का ढाल किधर हो, छत का ढाल किधर होगा, घर के आंगन में कि बाहर, आंगन में। लोग छत भी ऐसा ढालते थे कि आंगन, क्यों, इन लोग भी भारी अंधविश्वासी थे कि छत के ढाल जो रोड तरफ देगा उसके मियां बीबी में डेली लड़ाई होगी। घर में ऐसा कई लोग सुना होगा कि उत्तर ऊंचा हो गया तो काम खत्म हो गया, इन्ने ऊंचा होना चाहिए, उधर ऊंचा होना चाहिए, ऐसा अंधविश्वास सुना है तुम। सेम इन लोग उससे भी हाई वैरायटी के, कि जिनका दरवाजा बाहर खुलेगा तो उनके घर का लक्षण अलग होगा, अंदर खुलेगा तो अलग होगा, तो गेट किधर खोलेगा डरे कम से कम सही रहेगा, निकलना बाहर है लेकिन दरवाजा किधर खुलेगा उसके अनुसार तुम्हारे घर में शांति और सुख दुख डिपेंड करेगा। ये अपना इनकी कल्पनाएं होगी तो उसके अनुसार से अलग खोले। अरे तुमको कोई खाली हड़का दे कि तीन दरवाजा सामने दे दे तो घरे पैसा नहीं रहेगा, खर्चा हो जाए, घरे पैसा किसका रहता है, सबके यहाँ खर्चा होता। और जिसके हाथ तीन दरवाजा है कहेगा पैसा आपके यहाँ सब खर्चा हो रहा, हाँ ठीक ही कह रहे थे, वो गेट कवरवा के रख देगा बेचारे। तो ऐसा थोड़े गेट कवरवा देगा तो पैसा रहने लगेगा नहीं, वो तो बात तो वही है लेकिन मन में क्या बैठाया हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इन लोग भी वही वेराइटी खूब बैठा के रखते थे। तो इसमें हम लोग अभी इंपॉर्टेंट देखे, छत का ढाल आंगन में और आंगन में ही हौज बना हुआ है। कूड़ा कचरा कहां फेंकते हो, बोलो बोलो जल्दी, रोड पर कि रोड से दूर खेत में कि घर में, तुमको फेंकना है, मेसोपोटामिया सभ्यता वाला के फेंकना है, ये सब तो अपना है जी, खेत में लेने चले उधर फेंकना, सब तो लग रहा ना अपना फेंकना है सब। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग जो कूड़ा कचरा होगा कहां फेंकते हो, जल्दी बोलो, कितने लोग को लग रहा होगा कि इसमें रोड पर, ऐसा कितने लोग रोड पर फेंक देते हो, अच्छा कितने लोग को लग रहा है घर के आंगन में, आंगन, और कितने को लग रहा बाहर खेत में, तुम लोग कहां फेंकवा रहा है रे? तो ध्यान से सुने, हम लोगों को यह ध्यान देना है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग थे उन लोग कूड़ा कचरा सीधे सड़क पर ही फेंक देते थे, जा सड़क पर ही कूड़ा कचरा फेंकते थे, ताकि अब बैलगाड़ी चलते थे, अब बैलगाड़ी चलने से अभी वाला गाड़ी मत समझना और अभी वाला रोड नहीं समझना। तुम लोग का स्थिति क्या है ना, सड़क बोल रहे थे एक बार एकदम रोलर चला रहा है अलकतरा लगा के, तुम लोग भी मामूली तेज नहीं है, सड़क कच्चे थे और बैलगाड़ी जब चलते थे तो उससे गड्ढे हो जाते थे, सड़क का जो कचरा है उस गड्ढे में डाल दिए तो उससे सड़क की स्थिति उनकी ठीक हो रही, बरसात के समय रोड गीला है तो और गड्ढे बन रहे, कचरा फिर फेंके तो उससे सही है, लेकिन उससे उनके रोड क्या होते थे, धीरे धीरे ऊंचा होते जाते थे। अरे कचरा फेंकेंगे तो रोड ऊंचा होगा, मकान क्या होगा, नीचा होगा। इसीलिए लोग पहले ही कहते थे कि जो सबसे ऊंचा टीला पर मकान बनाएगा वो हमेशा सुखी रहेगा। अब इनका अलग कंसेप्ट है, तो ये अपना मकान ही जो बनाते थे रोड लेवल से थोड़ा हाई रखते थे। तो ये कूड़ा कचरा भी बात समझ गए, आंगन हर मकान के बीच में था, खिड़की किधर खोलता हो,
खिड़की किधर होगा, रोड तरफ की आंगन तरफ? तो इनके जितने भी रूम्स इन लोगों के मकान में थे, किसी में खिड़की नहीं थी। सुनो रे इंजीनियर साहब, तुम लोग अपना सोच लेता है कि जी हम दे देंगे उधर, खिड़की नहीं थे। रूम में लाइट के लिए दरवाजे को खोल के रखते थे जो आंगन थ्रू लाइट आते थे। तो आंगन थ्रू, दरवाजे थ्रू लाइट कमरे में आते थे, खिड़की नहीं थे। मेसोपोटामिया सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट, शुभ अशुभ का जो कंसेप्ट था, अगर ऊंचाई पर बनाएंगे धन खूब आएगा, दरवाजा बाहर खोलेंगे पति पत्नी में खूब लड़ाई होगी। अब ये डर किसका, पति पत्नी में लड़ाई नहीं होता है, लेकिन अगर दो दिन लड़ाई हो गया, कोई आके कहेगा गेटवा उधर खुल रहा है ना, इसी से ज्यादा है, तो पति होशियार होगा तो बेचारा कबाड़ के अंदर करेगा, लेकिन फिर होगा तो सोचेगा शुरू में जो कर दिए थे बाहर तो अभी सुधरेगा नहीं, हमेशा वैसे ही रहेगा। तो इस तरह की कल्पनाएं इनके अंदर थी। अब बताओ उर का सिस्टम सुनो, पहले हड़प्पा जब पढ़ोगे ना तब वर्ल्ड से हम कोरिलेट करेंगे, तब मेन मजा आएगा एनसीईआरटी पढ़ने। फिर फर्क समझ में आएगा कि जो लड़का एनसीईआरटी नहीं पढ़ा और तुम पढ़ा, दोनों में अंतर क्या है। कारण क्या है, कोई भी टीचर इंडियन हिस्ट्री पढ़ाए तो क्या इतना डिटेल इंडियन में करना संभव है? कभी नहीं हो। अरे हम ही हड़प्पा पढ़ाएंगे, कितने तुम बीपीएससी पढ़ो चाहे यूपीएससी पढ़ो, तो हम हड़प्पे ना चलते रहेंगे। अभी तुमको क्या फायदा हो रहा है कि तुम वर्ल्ड के पूरे पुराने सिस्टम जो है उसको समझ, फिर उधर का सिस्टम समझोगे, तब को रिलेट करोगे, तो उससे गहराई के स्तर तुम्हारे बढ़े। तो अब इसमें आगे का जो क्लास है अगले दिन इसको कंप्लीट करेंगे, एक लेसन खत्म हो जाएगा। आज का क्लास क्लियर है सबका? चलिए, कल हो सकता है एनसीईआरटी का, सॉरी इसमें एनसीईआरटी क्लास कल हो सकता है, मैं भी बंद रखें, करंट अफेयर का फेज कल लंबा रहेगा, तो आप लोग यूट्यूब पर बने रहोगे, कल जो है टेलीग्राम से रूटीन देख लोगे, कल यूट्यूब पर 3 घंटे हम लोग लगातार करंट अफेयर का फेज रखेंगे, उसके बाद लगातार फेज को चलेगा। ये धीरे धीरे चल रहा है, सही है ना, या स्पीड बढ़ा के खत्म कर दे, जैसा बोलो, स्पीड कहोगे तो बढ़ा के देना, खत्म कर देते हैं ना इसको, अभी 1.5-2 महीना लेके चलना है, तो सही है ना, आराम से चलो, 1.5 महीना पढ़ाएंगे, अभी 2 महीना पढ़ाएंगे, तुमको लगेगा सूद सहित पैसा वसूल हो गया, कुछ और लेना चाहिए था सर को, है ना। हाँ और क्या, तुम्हारा जितना आराम से समझा दे रहे हैं उतना कम फी में कहां संभव है। यहाँ कई लोग 10-10 हजार दे लोगा जो इस लेसन में बेचारा रट रहा होगा खाली। हाँ आराम से पढ़ा देंगे तो फायदा तुम ही को है, फिर हमेशा के लिए कंसेप्ट आ जाएगा। पीडीएफ तो मिल ही रहा होगा, पीडीएफ नहीं मिलता तो ऑफिस वाला जो ये सब लगाता है उसका माथा खाओ, अपने लगाएगा, कहना पीडीएफ कह नहीं दे रहे हो उसका माथा खाओ, हमारा नहीं खाओ। हर लेसन का पीडीएफ तुमको मिलते जाएगा, हर क्लास का मिलना है, तो पीडीएफ नहीं मिल रहा तो उसका माथा खाइए। ऑफर जितने भी है सब होली में आएगा। देखो कुछ बच्चे लिख रहे हैं आपको और पैसा मिलना चाहिए था, कोई बात नहीं, आपका स्नेह प्रेम बस मिलते रहे, हो गया।